दर्शक बंधु चीन एवं भारत सीमा बिवाद नहीं प्रत्येक दिन किछि ना किछि खबर आपण माने जानि पर्थिबे। किछि खबर भितरे एमिति बि खबर रहिछि कि चीन एतिकि एरिया अंचल कब्जा करि नेछि, भारत पेंगोंग रे तार दबदबा जारी रखिछि, कोर कमांडर स्तरीय बैठक जारी रहिछि एवं सीमा बिवाद को टाळिबा पई मध्य विभिन्न प्रकार विदेश नीति एवं रणनीति प्रयोग करा जाउछि उभय देश पक्षरु। तबे सबटो बड कथा हला वर्तमान ब्लूमबर्ग जेउ खबर टी देइछि ताहा मध्य एक चिंताजनक विषय। आपण माने रिपोर्ट उपरे जेतेबेले नजर पकेबे सेतेबेले निश्चित भावरे जानिपारिबे एही रिपोर्ट जदि सत्य हुए ताहले एहा केते भयंकर एवं सांघातिक हेबो। एबितिरे चीन रो अधिकांश रिपोर्ट चीन को नै जहा थाए ताहा मिथ्या बोली आगुरु प्रमाणित होइ सारिछि। जेमिति कि चीन रो सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स रे विभिन्न प्रकार रो मनोवैज्ञानिक स्तर रे प्रभाव विस्तार करिया पई फेक वीडियो अपलोड करा जाइछि एवं मिथ्या खबर मध्य एति पूर्वरु दिया जाइछि। किंतु एथर ब्लूमबर्ग जो रिपोर्ट टी देइछे रिपोर्ट को ध्यान रे आपण देखले जानि परिबे एठी सीधा सडक लेखा आइछि चीन गेंड ग्राउंड ऑन इंडिया ड्यूरिंग ब्लडी समर हिमालय। यार अर्थ एही रिपोर्ट टी को आउ थरे विशेष भाव रे जांच करा जाइछि एवं जदि एहा सत्य ताहले एथिरे सीधा सडक कहा जाइछि कि चीन पाखा पाखी 300 किलोमीटर पर्यंत कब्जा करि नेइछि कोराकरम पाखर अंचल को। देखंतु कोराकरम जहा कि जेउ एरिया रो किसी अंचल को चीन कब्जा कर सत्य हुए ताहले आगामी दिन में एक बड़ विपत्ति को निश्चित निमंत्रण कर। अवश्य ब्लूमबर्ग जो रिपोर्ट टी प्रकाशित करे पूर्वतन लेफ्टिनेंट जनरल सोर्स को नहीं यह प्रकाशित करें। जानते मे मस एक सूत्र अनुजाई चीन प्राय 250 किलोमीटर किसी अंचल कब्जा कर 50 किलोमीटर पखापाखि फिंगर एरिया भितर रहुथवा बेले बाकी 250 किलोमीटर तेजपांग प्लेन एरिया रे रहितला। तेनु सबुट बड कथा हला जे एही दौलतबेग ओल्डी को देखरी काराकोरम पाख को जाइथिबा एही रास्ता एवं एही रास्ता पाखरो किछि जमी चीन कब्जा करिनैछि बोली मध्य जना पड़िछि। जदि एहा सत्य हुए ताहले आगामी दिन रे चीन ए सड़क को मध्य कब्जा करिनबार जथेष्ट संभावना रहिछि। देखत सिया चीन पई भी एही रोड टी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं सबुट बड़ कथा हला जे उभय चीन एवं भारत पई एही रोड एथिपई गुरुत्वपूर्ण जे आगामी दिन रे भारत सिपेक रोड को मध्य टार्गेट करि परिबो एही रोड एवं सबुट बड़ कथा एही रोड रे भारत रो दबदबा ए पर्यंत जाहिर होई रहिछि। तेनो ब्लूमबर्ग रो एही जो रिपोर्ट रहिछि एही रिपोर्ट जहार आधार रे रहिछि से कथा मध्य तर्जमा करा जिबा आवश्यक। तबे सबुट बड़ कथा हला किछि दिन तळे चीन एवं भारत एवं विभिन्न समय रे फेक रिपोर्ट प्रकाश करथुबा संस्था मानंकु वर्तमान सरकार आईन रो भीतर को टाणी सारलेणी। तेणु मिथ्या खबर प्रकाश करिबा एवं खास करी देशर सुरक्षा को नहीं एक विपज्जनक बेपार। किछि दिन तळे एमिति भी गणमाध्यम नाँ रे अभियोग आसीथिला जे सेमाने चाइना रो खबर चाइनार सपक्ष रे खबर प्रकाशित करिसेंति। किंतु जणे भारतीय हिसाब रे सत्य सत्य को गंभीर भाव रे विचार करिबा उचित एवं खास करी ब्लूमबर्ग रो एई जो रिपोर्ट एही रिपोर्ट रो जो सोर्स रहिछि ताहा जणे लेफ्टनेंट जनरल डीएस हुड्डा सोर्स को नहीं करा जाइछि बोली मध्य कहा जाइछि। तबे लेफ्टनेंट जनरल डीएस हुड्डा जे कि पूर्वतन सामरिक ऑफिसर थिले नॉर्दर्न आर्मी कमांडर रहिथिले 2016 रे सर्जिकल स्ट्राइक जहाँ के पाकिस्तान विरुद्ध रहिथिला क्षेत्र मध्य महत्वपूर्ण भूमिका निभेथिले 1999 कारगिल युद्ध रे मध्य तंकर भूमिका थिला गुरुत्वपूर्ण। तेणु जणे गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति को सोर्स को नहीं ब्लूमबर्ग एही रिपोर्ट प्रकाश करिछि एवं एहार जांच होवार आवश्यकता मध्य रहिछि एवं सरकार मध्य ए दिगरे सुनिश्चित एही खबर को जांच करी एहार सठिक तथ्य अन्य मानकु जणेबा पई मध्य त्वरित कार्यानुष्ठान ग्रहण करबा उचित। अवश्य ब्लूमबर्ग को कहिबा अनुजाई छि रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री दफ्तर एवं चाइना सरकार विभिन्न दफ्तर रे मध्य एही रिपोर्ट रो जांच नै जोगाजोग करथिला किंतु ए जाय कोनोसी स्पष्टीकरण ना तो भारत सरकार ना तो चाइना प्रशासन तरफरु मिलिछि। तेणु एभली रिपोर्ट को तथ्य एवं सत्य उभय को जांच करा जाय स्पष्टीकरण दिया गले घटनार सत्य सत्य जणे पड़ेबो एवं यह ग्लोबल टाइम्स जो मिथ्या खबर छापुची से भली न होई जदि सत्य होइथाय ता उपरे मध्य कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवार समय आसीची बोली अनेक मत दवा जणा पड़ीची। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।